पर मेरी इच्छा है कि माता गंधारी के दर्शन भी मैं करके जाऊं। गंधारी के पास गई, मां प्रणाम, मैं द्वारका जा रहा हूं, सोचा आपके दर्शन करते चलूं। माता ने कहा, कृष्ण तुम अगर इन पांडवों के साथ ना होते तो इन पांच में से एक भी जीवित नहीं बचता। मेरे सारे पुत्र मारे गए, सारे पौत्र मारे गए, मेरे कुल में कोई दीपक जलाने वाला नहीं बचा। अगर इन पांच में से एक भी कम हो गया होता ना तो मेरे दिल को, मेरे हृदय को बहुत तसल्ली हो जाती। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि जैसे मेरे कुल में कोई जीवित नहीं बचा, तुम और तुम्हारे कुल में भी कोई जीवित नहीं बचेगा। आप लोगों से कोई ऐसा कह दे तो क्या करेंगे? क्रोध में आके तुरंत भगवान ने प्रणाम किया माता गंधारी को। मां, ये आपने श्राप नहीं दिया, ये आशीर्वाद दिया है। अपनी सारी लीलाओं को मैं संपन्न कर चुका हूं, बहुत यदुवंशी हो गए हैं, बहुत बालक हो गए। मैं ये सोच रहा था इन्हें समाप्त कैसे करूं, अपने धाम को वापस कैसे जाऊं। आपने बहुत सुंदर आशीर्वाद दिया। भगवान से हमें सीखना चाहिए कि श्राप में भी आशीर्वाद देख रहे हैं, कितनी करुणा भरी है अंदर। गए, बालकों को ज्ञानोपदेश किया, कभी संतों का अपमान मत करना, ब्राह्मणों का अपमान मत करना। बच्चों ने नहीं सुना, पिताजी कैसी बहकी बहकी बात करते हैं। एक संत के सामने जामवंती के पुत्र सांबी को साड़ी पहना कर ले गए, पेट में कपड़ा भर के। संत से पूछने लगे, बताओ इस बहू के पेट में पुत्र है या पुत्री है? संत ने कहा, मेरा काम ये नहीं है। बारंबार पूछने लगे, श्राप का असर है, बुद्धि कुपित हो गई। संत ने कहा, ये तो मुझे नहीं पता किसके गर्भ में पुत्र है या पुत्री, पर इसके पेट में जो तुम कपड़ा भर के लाए हो उसमें से एक लोहे का मूसल निकलेगा और उसी मूसल से तुम सभी यदुवंशियों का सर्वनाश हो जाएगा। बालकों ने जल्दी जल्दी उस कपड़े को खोला, सच में मूसल निकला, पीसकर समुद्र में डाल दिया। सभी यदुवंशियों की बुद्धि कुपित हो गई, एक दूसरे को मारने काटने लगे। भगवान कृष्ण और बलराम जी पर भी प्रहार करने लगे। एक ऊंचे टापू पर चढ़कर मेरे गोविंद ने स्वयं को बचाया। सारे अस्त्र सारे शस्त्र खत्म हो गए। समुद्र में डालने के बाद समुद्र के किनारे एक घास उत्पन्न हुई, उस घास को उखाड़ उखाड़ के यदुवंशी लड़ने लगे और उस मूसल के एक टुकड़े को एक मछली निकल गई। बलराम जी भी शेषनाग का रूप धारण करके जल में चले गए। भगवान ने अर्जुन को भेजा, मेरी सभी पत्नियों को ब्रजधाम लेकर जाओ, नहीं श्राप का असर इन पर भी हो जाएगा। अर्जुन को अभिमान है कि मैं गांडीवधारी हूं। लेकर गई, रास्ते से ही भगवान ने कोलभील का रूप बनाया और सारी पत्नियों को छुड़ा लाए। अर्जुन का अभिमान भी टूट गया कि तुम्हारा गांडीव भी बिना कृष्ण के किसी काम का नहीं है। और आ गया वो दिन, एक पीपल के वृक्ष के नीचे मेरे गोविंद बैठे हैं, अपने बाएं पैर के ऊपर दाएं पैर को चढ़ाकर, पैर के तलवे को ऐसा कर रखा है। तभी पास से एक बहेलिया जा रहा है, दूर से उसकी नजर पड़ी चरण पर, सोचा कोई मृगा है यानी हिरण। बिना सोचे बेचारे बाण चला दिया और वो बाण जाकर सीधा मेरे गोविंद के श्री चरणों में लग गए। दौड़कर जाकर देखा तो मृगा नहीं, भगवान कृष्ण स्वयं थे। कहने लगे, ये मैंने क्या अपराध कर दिया प्रभु, मैं तो आपसे क्षमा मांगने योग्य भी नहीं, मैंने आपके ऊपर ही प्रहार कर दिया। भगवान ने कहा, तुम्हें क्षमा मांगने की जरूरत नहीं, वो बहेलिया और कोई नहीं है, वो स्वयं बाली है। बाली को छुपकर बाण मेरे राम ने मारा था तो उसी का कर्जा उतारने भगवान कृष्ण ने अवतार लिया है। तुमने भी आज छुपकर मारा, हिसाब बराबर हो गया। सारथी के साथ भगवान बैठ गए, रथ में चल रहे हैं, सारे देवता टकटकी लगाकर देख रहे हैं। बड़े ध्यान से सुनने वाला प्रसंग है।
ये सुन लिया तो और क्या, और कुछ सुना हो या ना सुना हो कोई बात नहीं। हर देवता ये सोच रहा है कि कौन से लोग को आएंगे। इंद्र वहां इंतजार कर रहे हैं, ब्रह्मा कहीं इंतजार कर रहे हैं। और चलते 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 मेरे गोविंद ने अपने जब नर रूप को त्यागा तो किसी लोक में नहीं गए, अदृश्य हो गए और एक ज्योत के रूप में श्रीमद् भागवत में प्रवेश कर गए, जो आपके सामने विराजमान है। पहले दिन भी मैंने आपको बताया कि भागवत कोई किताब नहीं, कोई पुस्तक नहीं है, कोई पोथी नहीं है। कलयुग में स्वयं श्री कृष्ण ही भागवत के रूप में हम सब के बीच में विराजमान है। बस फर्क इतना है कि हम अगर पुस्तक मानते हैं तो हम पे कोई असर नहीं होता, कृष्ण मानते हैं तो हमारा जीवन बदल जाता है। राजा परीक्षित का हृदय गदगद हो गया सब 7 दिवसीय कथा को सुनकर। जाओ परीक्षित, 7 दिन से तुमने कुछ खाया पिया नहीं है, बहुत जोर से भूख प्यास लगी होगी, कुछ खा पी आओ। कैसी बात करते हैं गुरुदेव, जिस कथा रूपी अमृत का आप पान करा रहे हैं उसके बाद कुछ खाना और पीना शेष रह जाता है क्या? अब तो मेरा अंतिम एक क्षण भी कथा के बिना ना बीते। पाप रूपी वृक्ष जो है उसको कथा रूपी आरी से जितनी जल्दी समाप्त किया जाए, ऐसी ही कृपा गुरुदेव आप मेरे ऊपर करना। 7वां दिन आ गया। सुखदेव स्वामी कहते हैं राजा परीक्षित से, तुमने सैकड़ों मुझसे प्रश्न किए, सबका मैंने उत्तर दिया, सुंदर सुंदर भक्तों की कथा सुनाई, भगवानों की कथा सुनाई, भगवान के 24 अवतारों का वर्णन किया। आज मैं तुमसे एक प्रश्न करता हूं। आज वो 7वां दिन है जिस दिन तुमसे सांप मिला था, कुछ ही क्षणों में वो तक्षक सर्प आएगा और तुम्हें डस लेगा, बताओ तुम मरोगे? प्रभु मैंने तो कभी जन्म ही नहीं लिया जो मैं मरूंगा, क्यों आके वो किसे डसेगा? मेरे शरीर को ही तो डसेगा, और मैं तो वो आत्मा हूं, उस परम पिता परमेश्वर का आंशिक रूप। आत्मा को ना कोई मार सकता है ना कोई जन्मा सकता है, आत्मा तो बस समय समय पर अपना चोला बदलती रहती है। मैं नहीं मरूंगा। सुखदेव स्वामी राजगद्दी को व्यासपीठ को छोड़कर खड़े हो गए। हो गया मेरा काम, यही समझाना चाह रहा था। चाहता तो मैं 7 दिन में मृत्यु को टाल देता, पर मृत्यु को टालना समस्या का समाधान नहीं है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद नहीं तो 20 वर्ष बाद एक ना एक दिन अवश्य आएगी। समस्या का समाधान वो है कि जिस दिन वो आए उससे पहले हम तैयार खड़े हों। तुम्हें कल आना है, हम आज तैयार खड़े हैं। ऐसे कर्म को करें कि पुनर्पि जन्मम पुनर्पि मरणम पुनर्पि जननी जठरे सेनम, बार बार जन्मना और मरना ही ना पड़े। तक्षक सर्प आया, राजा परीक्षित को डसा, और डसने के बाद पता चला कि डसने से तो बहुत देर पहले ही राजा परीक्षित ने स्वतः ही अपने शरीर को त्याग दिया था और भगवान के वैकुंठ में जाकर उनके चरणों में निवास किया था। राजा परीक्षित का शरीर जलकर राख हो गया। यहीं पर ये श्रीमद् भागवत संपूर्ण होती है। हो जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा, जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा, जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा, जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। हाथ जोड़ कर मेरे सतगुरु, हाथ जोड़ कर मेरे सतगुरु, मैंने तुम्हें पुकारा, जन्म जन्म का साथ है हमारा।
क्या है, हर युग में हमें इनका साथ मिला है। कैसे? सतयुग में तुम बने नारायण और नर हमें बनाया। सतयुग में तुम बने नारायण और नर हमें बनाया। चींटी से हाथी तक देखो कैसा विश्व रचाया। चींटी से हाथी तक देखो कैसा विश्व रचाया। सब ऋषियों में नजर आ रहा, सब ऋषियों में नजर आ रहा। सुंदर रूप तुम्हारा जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। त्रेता में तुम बने राम और हनुमत हमें बनाया। त्रेता में तुम बने राम और हनुमत हमें बनाया। मर्यादा में रह करके ये सब जग को सिखलाया। मर्यादा में रह करके ये सब जग को सिखलाया। सब दुनिया में अमर हुआ ये, सब दुनिया में अमर हुआ ये। राघव नाम तुम्हारा जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। द्वापर में तुम बने कृष्ण और अर्जुन हमें बनाया। द्वापर में तुम बने कृष्ण और अर्जुन हमें बनाया। अधर्म का युद्ध हटा करके फिर धर्म का युद्ध कराया। अधर्म का युद्ध हटा करके फिर धर्म का युद्ध कराया। सारे जग में अमर हुआ ये, सारे जग में अमर हुआ ये। भागवत ग्रंथ तुम्हारा जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। कलयुग में तुम बने गुरु और शिष्य हमें बनाया। कलयुग में तुम बने गुरु और शिष्य हमें बनाया। ओम नमः शिवाय का जाप करा कर शिव का दर्श कराया। ओम नमः शिवाय का जाप करा कर शिव का दर्श कराया। सारे जग में अमर हुआ ये, सारे जग में अमर हुआ ये। सारे जग में अमर हुआ ये, सारे जग में अमर हुआ ये। शिवानंद नाम तुम्हारा जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा, हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। तो एक जन्म का साथ नहीं है, जन्म जन्मांतर का साथ है। जो आज इतने शांति के साथ बैठे हैं, गुरुदेव के अनुभूति हमें हो रही है। बस कहना है तो गुरुदेव से क्या कहना है? जो बना दोगे बन जाएंगे, जहां भेजो चले जाएंगे। जो बना दोगे बन जाएंगे, जहां भेजो चले जाएंगे। जो बना दोगे बन जाएंगे, जहां भेजो चले जाएंगे। तन मन से तुम्हारे रहेंगे, तन मन से तुम्हारे रहेंगे। कुछ कहेंगे तो तुमसे कहेंगे, तन मन से तुम्हारे रहेंगे। कुछ कहेंगे तो तुमसे कहेंगे,
कहाओ खुशी से सहेंगे, प्रेम सरिता में तेरी बहेंगे, जो सहाओ खुशी से सहेंगे, प्रेम सरिता में तेरी बहेंगे, चाहे नियरे रहे चाहे न्यारे रहे, चाहे न्यारे रहे चाहे न्यारे रहे, हम तो तेरे ही गुण गाएंगे, बना दोगे बन जाएंगे, जो बना दोगे बन जाएंगे, जो बना दोगे बन जाएंगे। और क्या, मेरी डोरी तुम्हारे ही कर में, मेरी डोरी तुम्हारे ही कर में, नाथ जंगल में रख लो या घर में, मेरी डोरी तुम्हारे ही कर में, नाथ जंगल में रख लो या घर में, हूँ ठिकाने पे अथवा डगर में, हूँ ठिकाने पे अथवा डगर में, नाथ रखना बस अपनी नजर में, हूँ ठिकाने पे या फिर डगर में, नाथ रखना बस अपनी नजर में, जिस देश में रहेंगे ओ, जिस देश में रहेंगे, जिस भेष में रहेंगे, जिस भेष में रहेंगे, हम तो तेरे ही कहलाएंगे, जहाँ भेजो चले जाएंगे, जहाँ भेजो चले जाएंगे, जहाँ भेजो चले जाएंगे।